हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर वॉशिंग मशीन के E4 एरर कोड के बारे में। हायर वॉशिंग मशीन में E4 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे हायर वॉशिंग मशीन के E4 एरर कोड के बारे में। हायर वॉशिंग मशीन में E4 एरर कोड क्यों आता है और इसका क्या रीज़न है आने का। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले इसके रीज़न बताऊंगा। आपको तीन ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हमें E4 एरर कोड देखने को मिलता है। उन तीन रीज़न बताने के बाद में फिर मैं आपको इनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो गाइस, हम आपको सबसे पहले इनके रीज़न बताते हैं। तो पहला रीज़न हमारा ये है, हायर वॉशिंग मशीन में E4 एरर कोड जब देखने को मिलता है तो हमें सबसे पहले ये हमारा इस कारण से आता है, अगर हमारी वॉशिंग मशीन में पानी नहीं भरेगा, अगर जो हमारा वॉशिंग मशीन है उसके अंदर अगर पानी नहीं भरेगा तो उस रीज़न से हमें E4 एरर कोड देखने को मिलता है। पहला रीज़न ये हो गया हमारा। और दूसरा रीज़न ये है, हमारी वॉशिंग मशीन में पानी आ रहा है इनलेट पाइप द्वारा, लेकिन बहुत स्लोली आ रहा है, मतलब कि बहुत देर में वॉशिंग मशीन में पानी भर रहा है, तो उस रीज़न से भी हमें E4 एरर कोड देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है हमारा ये कि वॉशिंग मशीन में पानी तो आ रहा है और उसी टाइम साथ साथ पानी आउटलेट पाइप द्वारा बाहर भी निकल रहा है, मतलब एक ही समय में दो काम हो रहे हैं, मतलब पानी वॉशिंग मशीन में भर तो रहा है लेकिन साथ साथ पानी बाहर भी निकल रहा है, तो उस रीज़न से भी हमें E4 एरर कोड देखने को मिलता है। तो गाइस, मैंने आपको ये तीन ऐसे रीज़न बता दिए हैं जिन रीज़नों की वजह से हमें E4 एरर कोड देखने को मिलता है। अब इनके सॉल्यूशन क्या है? देखिए गाइस, सॉल्यूशन इसके ये हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है, जो हमारी वॉशिंग मशीन का इनलेट वाला पाइप होता है, जो जिसमें टंकी में जो लगा हुआ होता है पाइप, आपको स्क्रीन इसमें दिखता होगा, देखिए वीडियो में आपको देख लीजिए यहाँ पे फोटो में, तो उसमें जो हमारा नलकी लगी हुई होती है उसमें जो पाइप लगा हुआ होता है उसको ओपन करना है। पाइप को ओपन करने के बाद में आपको फिर नलकी को चलाना है और चलाने के बाद में ये देखना है जो नलकी हमारी टंकी से पानी आ रहा है, जैसे नॉर्मल टंकियां पानी देती हैं प्रेशर के साथ, नॉर्मल प्रेशर वो पानी आना चाहिए। अगर टंकी में पानी नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपके जो टैंक का वॉल्व भी बंद हो सकता है या फिर आपका जो पाइप है वो भी ब्लॉकेज हो सकता है टंकी वाला। मेरा मतलब कहने का ये है, अगर टंकी तक पानी आ रहा है आपका जो नलकी होती है जिसमें हमारा वॉशिंग मशीन का इनलेट वाला पाइप लगा हुआ होता है, अगर उस टंकी में पानी आ रहा है तो फिर आपका ठीक है, वहाँ का ये फॉल्ट ठीक है, फिर आपको दूसरा पॉइंट को फॉलो करना है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये है, जो हमारा इनलेट पाइप होता है वॉशिंग मशीन का, जो मैंने अभी आपको बताया कि नलकी में जो लगा हुआ होता है, जो नलकी से लगा हुआ होता है जो फिर वो वॉशिंग मशीन में जाता है, आपको दिखता होगा यहाँ पे बराबर में फ़ोटो में, तो ये जो हमारा वॉशिंग मशीन में जो पाइप लगा हुआ होता है इसको हमें खोलना है, और खोलने के बाद में फिर हमें इस पाइप को देखना है कि अंदर से पाइप कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो गया, तो आप नलकी को चला देंगे, आपका वहाँ से पानी आता होगा प्रेशर से, तो जो हमारा इनलेट वाला पाइप है वॉशिंग मशीन का वो सारा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा अगर ब्लॉकेज होगा तो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारा, इसी में तीसरा पॉइंट है, जब हम वॉशिंग मशीन का जो इनलेट वाला पाइप जो खोलेंगे, जो मैंने अभी आपको सेकंड पॉइंट में बताया है, तो वही हमारा जो वॉशिंग मशीन में जो लगा हुआ होता है जहाँ पर पाइप, वो ब्लॉकेज हो जाता है वहाँ पर, जिसके रीज़न से हमारा जो पानी है स्लोली जाता है, और जब पानी हमारा स्लोली जाता है वॉशिंग मशीन के अंदर तो उस रीज़न से भी हमें E4 एरर कोड देखने को मिलता है। तो आप उसको भी साफ कर दें, ब्लॉकेज हो गया होगा तो उसको आप साफ कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ये तीन ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से E4 एरर कोड आता है, और ये जो मैंने आपको तीन ऐसे रीज़न बताए ये सॉल्यूशन का है। आप इनको अगर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आपका E4 एरर कोड हायर वॉशिंग मशीन से 100% हट जाएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और रोज की ऐसे न्यू हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।